Good morning, everyone. This week we are celebrating Janmashtami festival. So, dear student, इस बार की जो हमारी एक्टिविटी होगी वो हमारी जन्माष्टमी स्पेशल एक्टिविटी है. ये देखिए, हमने बिंदी पेस्टिंग एक्टिविटी से हमारा जो मटका है वो डेकोरेट किया है. एंड जो हमने मक्खन बनाया है उसके लिए हम कॉटन यूज करें. मटका डेकोरेशन के लिए हम किसी भी तरह की बिंदी का यूज कर सकते हैं. ये किसी भी शेप, कलर और डिफरेंट साइज की हो सकती है. चलिए हम हमारी जो मटका डेकोरेशन एक्टिविटी है इसको स्टार्ट करते हैं. लेट्स डू इट. ये देखिए, मटका डेकोरेट करने के लिए हमने डिफरेंट कलर्स की बिंदी का इस्तेमाल किया है और इनकी जो शेप्स हैं वो भी डिफरेंट हैं. आप किसी भी कलर की बिंदी को यूज़ कर सकते हैं. सबसे पहले हम इस तरह से एक प्लेन शीट पर मटकी ड्रॉ कर लेंगे और इसके बाद आप जिस कलर की बिंदी को यूज़ करना चाहते हो उसको हम यूज़ करेंगे. सबसे पहले मैंने यहाँ पे सेंटर में एक लाइन बनाऊंगी ग्रीन कलर से, जिसके लिए मैंने स्क्वायर कलर की, जो हमारे ग्रीन कलर की स्क्वायर बिंदी का यूज़ किया. देखिए इस तरह से एक सीधी लाइन की तरह हम बिंदी लगा लेंगे. सेम इसी तरह से हमने ग्रीन बिंदी के नीचे मैंने पर्पल कलर की स्क्वायर बिंदी ली है, इनको भी हम पेस्ट कर लेंगे सेम इसी तरह से. ये देखिए, सेंटर में मैंने दो स्क्वायर कलर की जो हमारी ग्लिटर बिंदी है ये लगाया है. इसके बाद जो ऊपर वाले पोर्शन में हम किसी भी कलर की बिंदी को लगाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे रेड कलर की बिंदी ले रही हूँ. होने के बाद हम इस तरह से पिंक कलर की बिंदी है इसको लगाएंगे. इसके बाद हम कलरफुल में बिंदी निकालेंगे और इस तरह से यहाँ पे हमें ग्लू लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारी कलरफुल बिंदियां हैं. तो इसको हम बिंदी को यहाँ से बस हमें निकालना है और पेस्ट करना है. ये देखिए, जिस तरह हमने यहाँ पे बिंदी लगाई है सेम जो नीचे वाला पोर्शन में है इसमें भी हम बिंदी को पेस्ट कर लेंगे.
ये देखिए हमने कलरफुल बिंदी से कितनी सुंदर कलरफुल मटकी की डेकोरेशन की है। इसके बाद जो हमारा मटकी का ऊपर वाला पोर्शन है, यहाँ पे हम कॉटन की हेल्प से मक्खन बनाएंगे। मक्खन क्यों बनाएंगे? क्योंकि जो हमारे लॉर्ड कृष्णा हैं वो मक्खन बहुत पसंद करते थे, ठीक है। तो उनकी जो मटकी है ये हम डेकोरेटेड मक्खन वाली मटकी बना रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी कॉटन है इसके हम छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हम ऊपर वाले पोर्शन में फेविकोल लगा लेंगे और जो हमने कॉटन बॉल्स बनाई है उसको इस तरह से पेस्ट कर देंगे। ये देखिए कितनी इजीली हमने हमारी ये मटका डेकोरेशन एक्टिविटी कंप्लीट की है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच। हैप्पी जन्माष्टमी।